Dandan Sadhguru Tera Hi Asra. Hello dear students, I am your computer teacher Rohin Insam. Welcome to my channel. So friends, aaj jis topic par hum discussion karne wale hain, wo topic hai how to use Microsoft OneDrive. So friends, isse pehle last video ke andar humne discuss kiya tha advantages and disadvantages of the cloud computing. So friends, is video ka link aapko upar info button mein mil jayega, aap us pe click karke is video ko dekh sakte hain. तो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट OneDrive. तो फ्रेंड्स, आज हम इसको प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कैसे हम OneDrive अकाउंट क्रिएट करेंगे और कैसे उसे यूज़ करेंगे. तो फ्रेंड्स, आप गूगल में जाकर टाइप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट OneDrive. तो फ्रेंड्स, उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप OneDrive की साइट मिलेगी आपको, इस पर आपको क्लिक करना है. तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, आपकी OneDrive की साइट ओपन हो जाएगी. और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लॉगिन के लिए प्रॉम्प्ट मिलेगा कि आपको यहाँ पर ईमेल या फ़ोन नंबर आपका एंटर करना है. फ्रेंड्स, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो फ्रेंड्स, आप क्रिएट वन लिंक पर क्लिक करके अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट पेज खुलेगा, न्यू पेज ओपन होगा, उस पेज पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे. तो फ्रेंड्स, हमारा न्यू पेज ओपन हो गया है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाहें तो अपने फ़ोन नंबर से या फिर अपने ईमेल एड्रेस की हेल्प से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर अपना न्यू ईमेल एड्रेस भी क्रिएट कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, हम चाहें तो इसको अदर वे से भी ओपन कर सकते हैं. हम साइट ओपन कर सकते हैं OneDrive.live.com. आपको ये साइट ओपन करनी है. इस वे में भी आपका ये पेज ओपन हो जाएगा OneDrive का, और यहाँ पर आपको दो बटन मिलेंगे, साइन इन एंड साइन अप फॉर फ्री. साइन अप फ्री में तो फ्रेंड्स, आपका वही पेज ओपन होगा जहां पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन हमें साइन इन पर क्लिक करना है. तो फ्रेंड्स, मेरे पास ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, तो फ्रेंड्स, मैं साइन इन पर क्लिक करूंगा तो हमारा ये पेज ओपन होगा. तो फ्रेंड्स, यहां पर मुझे अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है. तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दूंगा, और फ्रेंड्स, उसके बाद मुझे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है. तो फ्रेंड्स, उसके बाद फिर ये पासवर्ड के लिए आपको प्रॉम्प्ट करेगा. तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पर फिर आपको पासवर्ड एंटर करना है आपकी ईमेल आईडी का, जो आपने माइक्रोसॉफ्ट से साइन अप कर रखी है. उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट OneDrive का साइट आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आपको साइन इन करके रखना है या हर बार साइन इन करना है, जितनी बार भी आप अकाउंट ओपन करें. तो फ्रेंड्स, हम नो कर देंगे ताकि हम हर बार दोबारा से साइन इन करें सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से. तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें राइट साइड में आपके सॉर्टिंग रिलेटेड फीचर्स हैं, लाइक आपको नेम वाइज सॉर्ट करना है या साइज वाइज सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर करना है. तो ये फीचर्स आपको राइट साइड में मिलेंगे फर्स्ट बटन के अंदर. फिर सेकंड नंबर पे हमारा व्यू का बटन है. इसमें हमारे पास फोर टाइप्स के व्यूज़ हैं, तो हम इसको लिस्ट व्यू में कन्वर्ट कर देते हैं. तो लिस्ट व्यू में आपकी फाइल्स इस तरह से डिस्प्ले होंगी. तो सेकंड में आप कर सकते हैं कॉम्पैक्ट लिस्ट, तो कॉम्पैक्ट लिस्ट में आपको इस तरह से डिस्प्ले होंगी. और फिर है आपका फोटो व्यू. फोटो व्यू के अंदर आप देख पाएंगे कि आपकी फाइल्स एज ए फोटो डिस्प्ले हो रही हैं. तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा व्यू है वो रहता है आपका टाइल्स, तो हम इसको वापस से टाइल्स कर देते हैं, जिसमें आपकी इस तरह से आपकी फाइल्स को डिस्प्ले किया जाता है. फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है. जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, हम उस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये फोल्डर एम्प्टी है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम न्यू ऑप्शन में जाकर एक वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं. तो फ्रेंड्स, ये वर्ड डॉक्यूमेंट एक न्यू टैब में ओपन होगा. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, इस डॉक्यूमेंट में हम एक लाइन टाइप करते हैं, दिस इज माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट OneDrive. और फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं, जो इस पेज का इंटरफेस है जो अभी हमारे सामने खुला हुआ है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर का होता है, जो हम अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं या लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं. यहाँ पर वही सभी मेन्यूज हैं, होम, इंसर्ट, लेआउट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सभी वही मेन्यूज हैं जो हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करते हैं. तो फ्रेंड्स, हम वापस से OneDrive के अंदर आते हैं. तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी फाइल क्रिएट हो गई है document1.doc के नेम से. तो फ्रेंड्स, अब हम इस फाइल को चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, और चाहें तो हम इसको मूव कर सकते हैं किसी और फोल्डर के अंदर, या फिर हम कॉपी कर सकते हैं किसी और फोल्डर के अंदर. जैसे हम कॉपी टू पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, हमें राइट साइड में हमारे पास जितने भी फोल्डर्स हैं वो डिस्प्ले होने लगेंगे, और हम उस फोल्डर के ऊपर क्लिक करके इसे कॉपी कर सकते हैं दूसरे फोल्डर के अंदर. तो फ्रेंड्स, हम इसे रीनेम करते हैं. तो फ्रेंड्स, हम इसका नेम रखते हैं OneDrive. तो फ्रेंड्स, अभी ये दिखा रहा है डॉक्यूमेंट इज़ इन यूज़. तो फ्रेंड्स, हमारा डॉक्यूमेंट अभी ओपन है, तो फ्रेंड्स, हमें एक बार डॉक्यूमेंट को क्लोज करना पड़ेगा. तो हम उस डॉक्यूमेंट को एक बार क्लोज कर देते हैं. तो फ्रेंड्स, अब हम अगर सेव करेंगे तो फ्रेंड्स, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा. तो हम जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, इसका जो नेम है वो चेंज होकर हो जाएगा OneDrive.docx. तो
फ्रेंड्स, ये तो हमने देखा कि कैसे हम वन ड्राइव के अंदर कैसे एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं या न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। हम वापस से माई फाइल्स फोल्डर के अंदर आते हैं, माई फाइल्स पे क्लिक करके। तो फ्रेंड्स, अब हम एक फाइल को अपलोड करेंगे अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करके, और हम चाहें तो फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ से एक फोटो फाइल को क्लिक करते हैं और फ्रेंड्स वो फाइल आपकी अभी अपलोड हो जाएगी विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारी फाइल अपलोड हो गई है, ये फाइल आ गई है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, अब हम इस फाइल को फिर से सिलेक्ट करते हैं और इस फाइल के ऊपर भी हम वही सभी ऑपरेशंस कर पाएंगे, लाइक इसको शेयर कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे और इसको मूव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस बार हम फाइल को मूव करते हैं और फ्रेंड्स मूव करने के लिए हम मूव टू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और फ्रेंड्स राइट साइड में हमारा एक पेन ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हम वो सभी फोल्डर्स देख पाएंगे जिनके अंदर हम इस फाइल को मूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम डॉक्यूमेंट फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं और फ्रेंड्स उसके बाद हम इसको मूव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मूव बटन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर मूव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कंफर्म करने के लिए हम डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पाएंगे कि इस फोल्डर के अंदर आपकी वो फाइल आ चुकी है जो हमने अभी मूव की थी। तो फ्रेंड्स, नीचे आप वो फोटो फाइल देख पा रहे हैं जो हमने अभी मूव की थी। तो फ्रेंड्स, अब हम लेफ्ट साइड में दिए गए ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारा ऑप्शन है रीसेंट। तो फ्रेंड्स, इसमें हम रीसेंट फाइल्स को देख पाएंगे और फ्रेंड्स फिर हमारा फोटोज का ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, फोटोज पे क्लिक करेंगे तो आप सारी फोटोज देख पाएंगे जो भी हमने वन ड्राइव के अंदर सेव की हुई है। और फ्रेंड्स, उसके बाद है फिर आपका शेयर्ड फोल्डर। तो अभी तक हमने कोई भी फाइल शेयर नहीं की है इसलिए हम यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है। तो रिसाइकल बिन हमारा एम्प्टी है क्योंकि हमने अभी किसी फाइल को डिलीट नहीं किया है। तो हम माई फाइल्स में जाकर एक फाइल को डिलीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम डॉक्यूमेंट वन फाइल को सिलेक्ट करते हैं और उसे डिलीट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे जब हम वापस से रिसाइकल बिन के अंदर आते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम वो फाइल को देख पाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम क्विकली माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव की कुछ फीचर्स देख लेते हैं और कुछ हिस्ट्री भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है इसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2007 के अंदर लॉन्च किया था 1 अगस्त को। और फ्रेंड्स, जो इसकी कॉस्ट है पर मंथ है वो है $6.99 और फ्रेंड्स जो इसकी ईयरली कॉस्ट है वो है अराउंड $69। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है ये 107 लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, जो इसकी कैपेसिटी है वो अराउंड 5GB की है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 5GB तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट 5GB फाइल्स आप अपनी इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। और आप वन ड्राइव की साइट पर भी देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है 2.47 MB यूज्ड ऑफ 5GB। तो फ्रेंड्स, ये थी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव की फीचर्स और सारा यूजेस। तो अब फ्रेंड्स हम इसको साइन आउट कर देते हैं, ऊपर मेन्यू में जाके हम इसको साइन आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल टू गेट अलर्ट्स ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।